हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, हियर इज कमिंग ए गुड न्यूज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सो द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम फॉर PhD एडमिशन 2019-20 के रजिस्ट्रेशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। एज पर द सोर्सेज ऑफ दैनिक जागरण हिंदी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, बट अभी रिसेंटली मैंने विजिट किया था, यानी कि ये वीडियो जो मैं आज आपको 16 जनवरी को बना रहा हूँ, अभी मैंने ये वीडियो बनाने से पहले विजिट किया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो अभी कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं करवाया गया है, बट होपफुली जल्दी ही आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा विद इन 1 or 2 days। ठीक है, सो हम पहले थोड़ा टेंटेटिव डेट देख लेते हैं। टेंटेटिव डेट्स हैं बेसिकली ये, टेंटेटिव डेट्स के अकॉर्डिंग आपका जो लॉन्च हो जाना चाहिए था ऑनलाइन फॉर्म वो 15 जनवरी को हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। लास्ट डेट, ये सारी टेंटेटिव डेट्स है गाइस, क्योंकि यू नो द लिमिट ऑफ टेंटेटिव डेट्स क्रॉस हो चुकी है, यानी कि फॉर्म को लॉन्च हो जाना चाहिए था जनवरी 15 में और आज 16 जनवरी है, अभी तक नहीं हुआ, तो मे बी ये कल या आफ्टर 1 or 2 days के बाद हो जाए, तो ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट आपकी फरवरी 6 होगी, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आपकी फरवरी 10 होगी, डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव टेस्ट शेड्यूल वो आपका 15 फरवरी को होगा। ठीक है, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस होगा आपका फरवरी 18 को, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल टेस्ट होगा फरवरी 24 को, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड होगा फरवरी 26 को, एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका 16 से लेकर 20 मार्च के बीच में। ठीक है, तो ये सारी टेंटेटिव ही डेट्स हैं, ये कोई फिक्स डेट्स आपकी नहीं है, अभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। गाइस, उससे पहले हम देख लेते हैं बेसिकली कि आपके किन सब्जेक्ट्स के लिए आपके यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है, ये भी टेंटेटिव ही डेट्स है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एंशिएंट इंडिया एंड हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, होम साइंस, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक ओरिएंटेड संस्कृत, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, प्राकृत लैंग्वेज, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, उर्दू, वेस्टर्न हिंदी, और फिर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए भी है यहाँ पर, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स के लिए, एजुकेशन, लॉ एंड फाइन आर्ट्स। तो ये जितनी भी सीट्स यहाँ पर गिवन है, ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, सॉरी टेंटेटिव सीट्स हैं, अभी ये कोई भी फिक्स या परमानेंट सीट्स नहीं हैं, मे बी ये चेंज हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नोटिफिकेशन पे ही चलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो आपका 55% होने चाहिए मार्क्स इफ़ यू इन जनरल कैटेगरीज, अगर आप अदर कैटेगरीज में हैं ओबीसी, एसटी, ओबीसी, तो आपका रिलैक्सेशन है 5% का, जैसा कि आपका एज यूजुअल होता है यूजीसी या अदर एग्ज़ाम में भी। ठीक है, यहाँ पर ए पर्सन, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 2.3 जो है आपका, ए पर्सन हुज एमफिल हैज़ बीन इवेल्यूलेटेड एंड द वाइवा वॉइस इज पेंडिंग मे बी एडमिटेड टू द PhD प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में कर सकता है। यहाँ पर कैंडिडेट जो बेसिकली फॉरेन डिग्रीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। द कैंडिडेट पोजिसिंग द डिग्री कंसिडर इक्वलेंट टू एमफिल डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर्म फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन एजेंसी व्हिच इज अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड और अथोराइज्ड बाय एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट अंडर द लॉ इन इट्स होम कंट्री और एनी फॉर्म स्टैचुरी अथॉरिटी इन कंट्री ऑफ पर्पस ऑफ असाइनिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली गाइडलाइंस है फॉर द दोज हु हैविंग द फॉरेन डिग्री, जिनके पास फॉरेन डिग्री है उनके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जब और जब एंट्रेंस टेस्ट इसका कंडक्ट होगा, तो जब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे जब आपका इंटरव्यूज़ होगा, तो इंटरव्यूज़ में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, ना कि एंट्रेंस टेस्ट में। और गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप नेट भी क्वालिफाइड हैं
तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट होता है कंडक्ट बाई लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ये एग्ज़ाम्स आपको जब भी देना यहाँ पर पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम की देखें तो 3 ईयर मिनिमम है आपका पीएचडी का, मैक्सिमम 6 ईयर्स आपका यहाँ पर हो सकता है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन है ये आपका थ्रू सीईटी है, सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा आपका, ठीक है। ऑर्डिनेंस 2018 आप वेबसाइट पर जाकर, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डिनेंस 2018 डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सारे रूल्स आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द सेट यानी कि विद द मिनिमम प्रिस्क्राइब कट ऑफ हैव टू अटेंड द इंटरव्यू, यानी कि जिन्होंने सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया होगा वही यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर इनकी कट ऑफ होगी, अगर जिन्होंने वो क्वालिफाइड की होगी वही इंटरव्यू में आगे जा सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द सेट बट डू नॉट अपियर फॉर द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट, ठीक है। द मार्क ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है कि सेट, आपको सेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा यानी कि सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट करवाएंगी लखनऊ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और आप जब पहले मिनिमम 40% है बेसिकली यहाँ पर, आपको 40% यहाँ पर क्लियर करना होगा, यानी कि 40% एटलीस्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना होगी कट ऑफ, जब भी आप अपीयर्ड हो सकते हैं इंटरव्यूज़ में, जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो 40% ये जनरली रहती है, ये 40% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इन रिटन एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जब भी आप आगे चल के इंटरव्यूज़ में बैठेंगे। और जो आपकी फाइनल मेरिट होगी, जो फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, वो आफ्टर डन इंटरव्यू और जितने सारी प्रोसीजर है रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू के बाद फाइनल आपकी मेरिट लगेगी, सभी की लगेगी जो क्वालिफाइड हुए हैं और जो नहीं भी हुए हैं। अगर हम बात करें सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट की, तो सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट वुड बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। ऑल कैंडिडेट आ जाते हैं, नेट या जीआरएफ के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है रिटन टेस्ट, यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50% रिसर्च मिथोलॉजी एंड 50% होगा शैल बी सब्जेक्ट स्पेसिफाई। अभी पेपर वन अगर हम बात करें, ये जो आपका रिसर्च मिथोलॉजी का क्या सिलेबस होगा अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है, एज पर द सोर्स ऑफ अमर उजाला। द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफाई पार्ट विल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब इन द पीजी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ होगा, ठीक है। इंटरव्यूज़ के लिए बेसिकली कॉल किया जाएगा जिनका सेट का मिनिमम प्रिस्क्राइब कट ऑफ क्लियर होगा। मेरिट लिस्ट में प्रिस्क्रिप्शन होगा, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड स्टेज में। इन द फाइनल मेरिट कैंडिडेट वुड बी गिवन ए वेटेज ऑफ 70% ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% टू द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी कि जो आपका आप ये क्वालिफाइड करेंगे बेसिकली, यानी कि आपका एडमिशन जो होगा, आपका जो आपकी सीट फाइनल होगी वो द बेसिस होगी आपकी, जिसमें 70% डिपेंड करेगा आपका कि एंट्रेंस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, और 30% डिपेंड करेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस इंटरव्यू की कैसी रही। यहां पर कुछ और भी प्रोसीजर है कि अगर मार्क्स आपके इक्वल हुए, यानी कि रिटन टेस्ट में किसी कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल होते हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया है, तो उसमें उसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स हो गए उसे बेसिकली वो सीट मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन हो गए यहाँ पर, मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन यानी कि आप एक सेम रजिस्ट्रेशन से दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई इन मैक्सिमम इन टू सब्जेक्ट, देर विल बी ऑप्शन टू सेलेक्ट द बोथ इन सब्जेक्ट इन द सेम एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज सेपरेटली फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि दो बार फीस पे करनी पड़ेगी आपको, दो अगर दो सब्जेक्ट रखते हैं तो दो बार फीस पे करनी पड़ेगी। इनके दे फिल इन फिल द फॉर्म फॉर वन सब्जेक्ट एंड लेटर ऑन डिसाइड टू अप्लाई फॉर अनदर सब्जेक्ट, तो दे कैन लॉग इन यूजिंग द क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड ऑन द मोबाइल नंबर ईमेल आई डी, उसके थ्रू वो सेकेंड सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है।
बोथ सब्जेक्ट शुड बी फिल्ड थ्रू द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप दोनों सब्जेक्ट भर सकते हैं। अगर इन केस आपके दो अपने दो अलग अलग सब्जेक्ट दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके भरे हैं, तो यहाँ पर आपका अपीयर फॉर द टेस्ट इज ओनली वन ऑफ देम, तो आप एक ही टेस्ट में अपीयर कर पाएंगे। यानी कि आपने दो रजिस्ट्रेशन करके दो सब्जेक्ट में भरे तो फिर आप एक ही बार टेस्ट दे पाएंगे, बट अगर आपने एक ही रजिस्ट्रेशन पे दो सब्जेक्ट के लिए भरे तो आप दो बार एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ जो जनरल आपकी जो प्रोसीजर्स रहती हैं एलिजिबिलिटी, हमने इसके बारे में देखा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटीज। सो गाइस, इसे मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑनलाइन बैच है फॉर पीपल वन UGC नेट, वो कंटिन्यू है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।